Hello everyone, myself Vinita Sukhadia, lecturer in Civil Engineering Department at Vallabhbuddhi Polytechnic, Navsari. In previous video lecture, we discussed the various system of forces. Now, today we are going to discuss principle of transmissibility of forces. Also, we are going to discuss principle of superposition of forces. So starting with principle of transmissibility of forces, the statement of which is, if a force acts at any point on a rigid body, it may also be considered to act at any other point on its line of action. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रिजिड बॉडी क्या है, ठीक, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस जो है हम रिजिड बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो देखिए कि रिजिड बॉडी क्या है. व्हाट इज रिजिड बॉडी? अ बॉडी विच कैन रिटेन इट्स शेप एंड साइज इवन इफ सब्जेक्टेड टू द एक्सटर्नल फोर्सेस. मतलब रिजिड बॉडी क्या है? रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी है कि जिस पे ना आप एक्सटर्नल फोर्सेस लगा रहे हो, तो एक्सटर्नल फोर्सेस लगाने के बावजूद भी आपकी बॉडी के शेप एंड उसके साइज में कोई चेंज आपको दिखने को नहीं मिल रहा है, ठीक. रिजिड बॉडी क्या है? रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी है कि जिसपे आप एक्सटर्नल फोर्सेस लगा रहे हो, लेकिन फिर भी बॉडी का शेप एंड बॉडी की जो साइज है उसमें ना कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक. रिजिड बॉडी એટલે એવી બોડી કે જેના ઉપર તમે બાહ્ય બળ લગાવો છો, તેમ છતાં પણ બોડીના આકાર અને એના કદમાં કોઈ ફેરફાર જોવા મળતો નથી, તો એવી બોડીને કહેવાય છે રિજિડ બોડી. નાઉ મૂવિંગ ફોરવર્ડ ટુ ધી પ્રિન્સિપલ ઓફ ટ્રાન્સમિસિબિલિટી ઓફ ફોર્સિસ. ક્યાં હે વો ક્યાં કહે રહા હૈ કે રિજિડ બોડી કે કોઈ ભી એક પોઈન્ટ પે હમ ફોર્સ અપ્લાય કર રહે હૈ, ઠીક હૈ ના. ઇફ ફોર્સ એક્ટ एट एनी पॉइंट ऑन अ रिजिड बॉडी, मतलब रिजिड बॉडी के कोई एक पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो. तो आगे पढ़ो, इट मे ऑल्सो बी कंसिडर्ड टू एक्ट एट एनी अदर पॉइंट ऑन इट्स लाइन ऑफ एक्शन. मतलब रिजिड बॉडी के कोई एक पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा ना, लाइन ऑफ एक्शन के किसी भी पॉइंट पे आप ना उसी फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो. इससे बॉडी पर होने वाली इफेक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा. रिजिड बॉडी के कोई एक पॉइंट पे अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन के किसी भी पॉइंट पे आप उसी फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो. इससे बॉडी पर होने वाले इफेक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा. फिगर देखो, फर्स्ट वाली फिगर देखो. ये मान लीजिए कि ये अपनी बॉडी है, ठीक. बॉडी पे क्या कर रहे हो आप? एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो. मान लीजिए कि ये है अपना पॉइंट ए. क्या है? अपने पास एक बॉडी है, बॉडी पर पॉइंट ए है. पॉइंट ए पर आप क्या कर रहे हो? पॉइंट ए पर आपने एक फोर्स अप्लाई किया. फोर्स की डायरेक्शन देखो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ठीक. अभी ये डॉटेड लाइन देख रहे हो, डॉटेड लाइन क्या हो जाएगी? अपने फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगी, ठीक. तो फर्स्ट वाले फिगर में क्या बताया है कि एक बॉडी है, बॉडी पे आप ना पॉइंट ए पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो. फोर्स का मैग्नीट्यूड है पी. फोर्स जो है आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करवाया है. रिजिड बॉडी के कोई एक पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, ठीक है. फर्स्ट वाली फिगर में यही बताया है कि अपने पास एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी के कोई एक पॉइंट पे आप ना फोर्स लगा रहे हो. फोर्स का मैग्नीट्यूड है पी. फोर्स जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है. तो ये जो डॉटेड लाइन है, वो डॉटेड लाइन क्या हो जाएगी? हो जाएगी अपना फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन. लाइन ऑफ एक्शन, ठीक. लाइन ऑफ एक्शन मिल गया. सेकेंड फिगर में जाओ कि फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है ना,
लाइन ऑफ एक्शन के किसी भी पॉइंट पे आप उसी फोर्स को रिप्रेजेंट करवा सकते हो। तो ये मेरी एक्चुअल कंडीशन है कि एक्चुअली ये मेरी रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी के पॉइंट ए पर हमने पी मैग्नीट्यूड का फोर्स जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाया। ये डॉटेड लाइन जो है अपने फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है। तो मैं सेकंड फिगर में क्या बताया, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस मैंने सेकंड फिगर में अप्लाई किया कि ये जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन मिली ना, लाइन ऑफ एक्शन के किसी भी पॉइंट में आप उसी फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मैंने क्या किया कि ये तो अपनी बॉडी है, ये जो डॉटेड लाइन है वो अपने फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है। तो लाइन ऑफ एक्शन के किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए कि ये है अपने लाइन ऑफ एक्शन का पॉइंट बी, तो मैंने क्या किया, लाइन ऑफ एक्शन के किसी भी पॉइंट पे तो मैंने ले लिया पॉइंट बी, पर भी मैं उसी फोर्स को रिप्रेजेंट करवा सकती हूं। फोर्स का मैग्नीट्यूड पी ही रहेगा और फोर्स की डायरेक्शन अगर आपने फॉरवर्ड रखी है तो यहां भी मुझे फोर्स की डायरेक्शन फॉरवर्ड ही रखनी होगी। तो उससे क्या होगा, बॉडी पर होने वाली इफेक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये कंडीशन देखो, अपना जो बॉडी है उस पर पी मैग्नीट्यूड का फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो बॉडी जो है ऑब्वियसली फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक, अभी मैंने क्या किया कि फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन मिला, लाइन ऑफ एक्शन के किसी भी पॉइंट में मैं ये वाले फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकती हूं। तो मैंने क्या किया कि यही है अपनी लाइन ऑफ एक्शन, तो लाइन ऑफ एक्शन पे रैंडमली मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ पॉइंट बी। पॉइंट पी पर भी मैं क्या करती हूँ, वही फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैग्नीट्यूड मैंने पी ही रखा है और फोर्स की डायरेक्शन भी मैंने फॉरवर्ड ही रखी है। तो इस वाले फिगर में भी देखो, तो फोर्स के अंडर अपनी जो बॉडी है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेगी ना। आप फोर्स पॉइंट ए पे लगाओ या तो फिर आप फोर्स पॉइंट बी पे लगाओ, बॉडी पर होने वाली इफेक्ट में तो कोई चेंज नहीं आया ना। अगर फोर्स आप पॉइंट ए पर बता रहे हो तो भी इस फोर्स के अंडर में अपनी बॉडी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेगी। अगर आप फोर्स जो है वो पॉइंट बी पे बताओ तो भी कोई फर्क तो पड़ा ही नहीं ना। इस वाले फोर्स के अंडर में भी अपनी बॉडी जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेगी। ठीक, तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस क्या कह रहा है कि रिजिड बॉडी के कोई भी एक पॉइंट पे अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन के किसी भी पॉइंट पे आप उसी फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। इससे बॉडी पर आने वाली इफेक्ट में कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, कोई पदार्थ है, पदार्थ ऊपर तमे बड़ लगाओ छो तो बड़ नीचे कार्यरेखा हो, एक कार्यरेखा ना कोई पण बिंदु ऊपर तमे एज बड़ ने रिप्रेजेंट अथवा तो बतावी शको छो, एनाथी पदार्थ पर थती असर मां कोई फेरफार जोवा मळतो नथी। मानो कि आ तमारो एक पदार्थ छे, पदार्थना पॉइंट ए ऊपर तमे एक बड़ लगाओ छो, बड़नु मूल्य छे पी, અને બળ જે છે એ તમે ફોરવર્ડ ડાયરેક્શનમાં લગાવો છો। આ જે ડોટેડ લાઈન છે એ શું થશે, આપણા બળની કાર્યરેખા થશે। તો બળની કાર્યરેખાના કોઈ પણ બિંદુએ તમે એ જ બળને રિપ્રેઝેન્ટ અથવા તો બતાવી શકો છો। તો સેકન્ડ ફિગરમાં આપણે શું કહી રહ્યું કે પદાર્થ તો એ જ છે, કાર્યરેખા પણ એ જ છે, કાર્યરેખાના કોઈ પણ બિંદુએ તો કાર્યરેખાના પોઈન્ટ બી ઉપર હું શું કરું છું, એ જ જે બળ છે પી એને બતાવું છું। મેગ્નિટ્યુડ એટલે કે મૂલ્ય જે છે એ તો હું પી જ રાખીશ, અને અગર જો બળ ફોરવર્ડ ડાયરેક્શનમાં તમે આપ્યો છે તો સેકન્ડ ફિગરમાં પણ બળ જે છે એ ફોરવર્ડ ડાયરેક્શનમાં જ બતાવ્યો છે। કે રિજિડ બોડીના કોઈ પણ એક બિંદુ ઉપર અગર જો બળ લાગે છે તો બળની જે કાર્યરેખા છે એ કાર્યરેખાના કોઈ પણ બિંદુએ તમે એ જ બળને બતાવી શકો છો, એનાથી પદાર્થ પર થતી અસરમાં કોઈ પણ ફેરફાર જોવા મળતો નથી। તમે પહેલી ફિગરમાં જો તો આ બળની અસર હેઠળ પદાર્થ જે છે એ આગળની દિશામાં ગતિ કરશે, તમે સેકન્ડ ફિગરમાં જો તો પણ કન્ડિશન તો એ જ છે,
आ बळनी असर हेठळ पदार्थ जे छे ए आगळनी दिशामां गति करशे, राइट। के कोई रिजिड बॉडी छे तमारी पासे, रिजिड बॉडीना कोई पण एक बिंदु उपर तमे बळ लगावो छो तो बळनी जे कार्यरेखा छे, कार्यरेखाना कोई पण बिंदुए तमे एज बळने बतावी शको छो। एनाथी पदार्थ पर थती असर मां कोई फेरफार जोवा मळतो नथी, ठीक। कि रिजिड बॉडी के कोई एक पॉइंट पे अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन के किसी भी पॉइंट पे आप उसी फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, इससे बॉडी पर होने वाली इफेक्ट में कोई चेंज देखने को मिलेगा नहीं। सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। स्टेटमेंट पढ़ो पहले तो, इफ टू इक्वल अपोजिट एंड कोलिनियर फोर्सेस आर एडेड टू और रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम ऑफ फोर्सेस देन देयर विल बी नो चेंज इन द पोजिशन ऑफ अ बॉडी। मतलब क्या है कि आपके पास क्या है, आपके पास एक सिस्टम ऑफ फोर्स है, आपके पास क्या है, आपके पास ना एक सिस्टम ऑफ फोर्स है। अब आप क्या कर रहे हो, उसमें कुछ ऐड कर रहे हो या तो फिर कुछ रिमूव कर रहे हो। हम वन बाय वन देखेंगे आपके पास क्या है, आपके पास एक सिस्टम ऑफ फोर्स है। अब उसमें आप क्या कर रहे हो, आप ना दो फोर्सेस जो है ऐड कर रहे हो। मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, सिस्टम ऑफ फोर्सेस में आप क्या कर रहे हो, दो फोर्सेस ऐड कर रहे हो। लेकिन वो दो फोर्सेस कैसे है, दोनों ही फोर्सेस जो है वो इक्वल है, मतलब उनका मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। दोनों ही जो फोर्सेस है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं और कोलिनियर है, कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन में एक्ट कर रहे हैं, ठीक। कि आपके पास एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, सिस्टम ऑफ फोर्सेस में आप क्या कर रहे हो, दो फोर्सेस ऐड कर रहे हो। दो फोर्सेस कैसे है, इक्वल है, मतलब उन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, दोनों ही फोर्सेस जो है वो एक ही लाइन में लगने वाले अपोजिट डायरेक्शन के है। दो फोर्सेस आप ऐड कर रहे हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों ही जो फोर्सेस है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले कोलिनियर फोर्सेस है, तो क्या होगा, देयर विल बी नो चेंज इन द पोजिशन ऑफ अ बॉडी। आप ये दो फोर्स ऐड भी कर रहे हो ना तो भी बॉडी की पोजिशन में कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। और भी देखो, आपके पास एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, सिस्टम ऑफ फोर्सेस में से आप दो फोर्सेस रिमूव कर रहे हो। कैसे दो फोर्सेस रिमूव कर रहे हो, ऐसे दो फोर्सेस आप रिमूव कर रहे हो जो कि इक्वल है, मतलब उनका मैग्नीट्यूड सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले कोलिनियर फोर्स है, तो भी आपकी बॉडी की जो पोजीशन है उसमें आपको कोई चेंज देखने को मिलेगा नहीं। फिगर थ्रू समझे ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। फर्स्ट वाली फिगर क्या है, फर्स्ट वाली फिगर है अपनी गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स की, अपने पास एक सिस्टम है फोर्स की। अभी देखो उसमें क्या है, आपके पास एक बॉडी है, बॉडी पे ना पॉइंट ए पर आपने एक फोर्स लगाया है, ठीक। फोर्स का मैग्नीट्यूड है P1 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। फोर्स जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपने लगाया हुआ है, तो ये है आपकी गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स। आपके पास जो सिस्टम ऑफ फोर्स है वो कुछ इस तरह से है, ठीक। गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स जिसमें एक बॉडी है, बॉडी में पॉइंट ए है, पॉइंट ए पर आपने एक फोर्स लगाया है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाया है, जिसका मैग्नीट्यूड है P1 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। आप क्या कर रहे हो कि आपके पास जो सिस्टम ऑफ फोर्स है, आपके पास जो सिस्टम ऑफ फोर्स है उसमें आप क्या कर रहे हो, दो फोर्सेस ऐड कर रहे हो। अभी नीचे देखो, आपके पास जो सिस्टम ऑफ फोर्स है पॉइंट ए पर P1 इज इक्वल टू 100 न्यूटन का फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये आपका गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स है। अब आप उसमें क्या कर रहे हो, आप उसमें ना दो फोर्सेस ऐड कर रहे हो। दो फोर्सेस कैसे हैं, इक्वल है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, 50 न्यूटन 50 न्यूटन।
दोनों ही फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है ना। ये वाला 50 न्यूटन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ये वाला जो 50 न्यूटन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। दोनों ही फोर्सेस कोलिनियर है ना, एक ही लाइन में लग रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स है, गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स है, उसमें आप क्या कर रहे हो, उसमें आप ना दो फोर्सेस ऐड कर रहे हो, दो फोर्सेस ऐड कर रहे हो जो कि इक्वल है, मतलब उनका मैग्नीट्यूड सेम है, 50 न्यूटन 50 न्यूटन। दोनों ही फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है। ये वाला 50 न्यूटन फॉरवर्ड जा रहा है, ये वाला 50 न्यूटन बैकवर्ड जा रहा है। कोलिनियर है ना, दोनों ही फोर्सेस एक लाइन में लग रहे हो, तो होगा क्या, ये दोनों ही फोर्स जो है वो क्या करेंगे, एक दूसरे की जो इफेक्ट होगी उसे कैंसल आउट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ द बॉडी। बॉडी की पोजीशन में तो कोई चेंज नहीं आया। इनिशियली अगर बॉडी पे P1 इज इक्वल टू 100 न्यूटन फोर्स पॉइंट A पर लग रहा था, तो अब भी बॉडी के पॉइंट A पर P1 इज इक्वल टू 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। आपने ये दो फोर्स ऐड तो किए, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों ही जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, कोलिनियर है, तो क्या हो जाएगा, दोनों ही जो फोर्स है वो एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसल आउट कर लेंगे, क्योंकि ये प्लस 50 हो जाएगा, ये माइनस 50 हो जाएगा, प्लस 50 माइनस 50 तो जीरो, मतलब ये दोनों ही फोर्स एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसल आउट कर लेंगे, तो बॉडी की पोजीशन में आपको कोई चेंज देखने को मिलेगा नहीं। अभी आप रिमूव भी कर सकते हैं, अभी उल्टा समझो कि मान लीजिए कि ये आपका गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो कि आपके पास जो गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स है उसमें से ना आप ये दोनों ही फोर्स रिमूव कर दे रहे हो। कैसे रिमूव किया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों ही फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले कोलिनियर फोर्स है, तो आपकी जो गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स है उसमें से आप ये दो फोर्स निकाल भी लो तो भी बॉडी की पोजीशन में आपको कोई चेंज देखने को मिलेगा नहीं, ठीक। पदार्थ ऊपर लगता बड़ समूह में बे सरखा मूल्य न परस्पर विरुद्ध दिशा न रेखिक बड़ो उमेरवामां आवे के दूर करवामां आवे, तो पदार्थनी स्थितिमां कोई फेरफार जोवा मळतो नथी। तो तमारी पासे एक बल समूह छे, बराबर, आ बल समूह छे, एमां शुं छे, पदार्थ ऊपर पॉइंट ए ऊपर एक बल लागे छे 100 न्यूटन, P1 इज इक्वल टू 100 न्यूटन, आ तमारो बल समूह छे। हवे बल समूहमां तमे शुं करो छो, बे बळो उमेरो छो, એ બંને જ બળો જે છે સરખા મૂલ્યના છે, 50 ન્યૂટન 50 ન્યૂટન, બંને બળો જે છે પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં લાગે છે અને રેખિક બળો છે, તો એ બંને જ બળો એકબીજાની અસરને કેન્સલ આઉટ કરી લેશે, તો ફાઇનલી પદાર્થની સ્થિતિમાં તો કોઈ જ ફેરફાર જોવા મળતો નથી। આપણે ઊંધું પણ કહી શકીએ કે આ તમારો બળ સમૂહ છે અને એ બળ સમૂહમાંથી તમે આ બે બળો જે છે એને કાઢી નાખો છો, દૂર કરી દેવ છો, કેમ કે બંને જ બળો જે છે એ સરખા મૂલ્યના છે, પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં લાગતા રેખિક બળો છે, તો એ બંને બળોને તમે તમારા બળ સમૂહમાંથી દૂર કરી દો તો પણ પદાર્થની સ્થિતિમાં તો કોઈ ફેરફાર જોવા મળતો નથી। So this is our principle of superposition of forces, right? Okay, third point for today's lecture is resultant force. Resultant force मतलब क्या? कि if a number of forces, say P1, P2, P3, P4 up to so on, are acting on a particle simultaneously. क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि आपके पास ना एक particle है, ठीक? पार्टिकल पे क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। मान लीजिए कि चार फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, से P1 P2 P3 P4, राइट, रैंडमली। क्या है कि आपके पास एक पार्टिकल है, पार्टिकल पे क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। मान लीजिए कि चार फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, P1 P2 P3 एंड P4, तो आप क्या कर रहे हो, आप ना एक सिंगल फोर्स निकाल रहे हो,
आप क्या कर रहे हो, आप ना एक सिंगल फोर्स आप ऐसे निकाल रहे हो, उससे क्या होगा कि ये जो सिंगल फोर्स है वो ये चारों के चारों फोर्सेस को रिप्लेस कर देगा। मतलब क्या है कि जितनी इफेक्ट ये चार फोर्सेस जनरेट कर रहे हैं उतनी इफेक्ट ये सिंगल फोर्स अकेला जनरेट करेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये वाला जो सिंगल फोर्स है वो क्या है, ये चारों के चार फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स है। ठीक, कि आपके पास एक पार्टिकल है, पार्टिकल पर साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं। मान लीजिए कि चार फोर्सेस लग रहे हैं, P1, P2, P3, P4। आप क्या कर रहे हो, आप ना एक सिंगल फोर्स निकाल रहे हो। सिंगल फोर्स आपने कुछ इस तरीके से निकाला कि जितनी इफेक्ट ये चार फोर्स मिलकर जनरेट कर रहे थे उतनी ही इफेक्ट ये सिंगल फोर्स अकेला जनरेट कर ले। तो ये जो सिंगल फोर्स है वो क्या हो जाएगा, सिंगल फोर्स जो है ये चार फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा। कि कोई बिंदु पर एक साथ है घणा बधा बळो लागे छे, माने लो कि कोई एक बिंदु छे ना ऊपर एक साथ है चार बळो लागे छे, P1, P2, P3 अने P4। तमे शुं करो छो, तमे एक सिंगल बळ शोधो छो, एवुं सिंगल बळ तमे शोधो छो के जेटली इफेक्ट आ चार बळो मळीने उत्पन्न करे छे एटली ज इफेक्ट सिंगल बळ एकलो ज उत्पन्न करी ले। तो ये जे सिंगल बळ छे एने आ चारे चार बळोनुं परिणामी बळ कहेवाशे। राइट, थैंक यू।